पे अच्छे तरीके से मजा आने वाला है आपको। कौन सा वाला समझोगे पहले, लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला। राइट वाला ना, क्या होता है समझो, कंपनी कभी कामयाब नहीं होती। जी सर। कंपनी केवल और केवल सर्विस और प्रोडक्ट देती है। जी सर। कंपनी केवल और केवल सर्विस और प्रोडक्ट देती है। कामयाब कौन बनाता है? SDW ग्रुप। जी सर। जो हमारी इंडस्ट्री में है, SDW कोटिंग, सीनियर डायरेक्टर वॉरियर कोटिंग। जी सर। कभी भी कंपनी कामयाब नहीं होती, पर्टिकुलर ग्रुप कामयाब होता है। और ज्वाइन करने के लिए किसी कंपनी को मत चुनो, पर्टिकुलर ग्रुप को चुनो कि ये क्या ट्रेनिंग देता है। yes. लोग गलती क्या करते हैं, कंपनी के बेस में जाते हैं। भाई कंपनी कभी कामयाबी दे दिला ही नहीं, समझ रहे हो? कंपनी अपने एंड में मजबूत हो, लेकिन लीडरशिप भी तो मजबूत होनी चाहिए ना। जी सर। नहीं तो पता लगा कि और कंपनी मजबूत है और लीडरशिप देखो तो ठन ठन हो पा, कंपनी बर्बाद। दोनों का 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लीडरशिप का भी और कंपनी का। कंपनी का कैसे, जब कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके रिजल्ट कैसे, ये देना किसका काम है? कस्टमर। कंपनी का काम, ये देना किसका काम है? कंपनी का। कंपनी का। लेकिन उसको प्रमोट कैसे करना है, कौन सी ट्रेनिंग कब लगानी है, किस लेवल वाले बंदे को क्या समझाना है, ये समझाना किसका काम है? लीडरशिप। ट्रेनिंग देना एक ग्रुप का काम। जी सर। लीडरशिप का काम, अंडरस्टैंड कर रहे हो? जी सर। तो यहाँ पे अगर आप कामयाबी चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपलाइंस होगी। सबसे पहली अपलाइन होगी आपको स्पॉन्सर अपलाइन। स्पॉन्सर अपलाइन वो अपलाइन जिनके साथ में आप आए हो। आप किसके साथ में आए? आपके साथ में आए। यह आपकी स्पॉन्सर अपलाइन, समझ रहे ना? कौन सी अपलाइन हुई? स्पॉन्सर अपलाइन, जिसने आपको स्पॉन्सर किया कि भाई ऐसा ऐसा सेटअप है, मैं जा रही हूँ, तू भी आगे करेगी तो तेरा भी लाइफ बन जाएगा, खत्म। कल का पता लगा होगा आपको। और स्पॉन्सर अपलाइन ज्यादा टाइम तक, जिसका एक ड्रीम होगा, जिसकी एक वजह होगी, वो बंदा टिकेगा। जी सर। समझ पा रहे? तो एक होती है स्पॉन्सर अपलाइन, जिससे अपने कोई मतलब, अगर वो सिस्टम में नहीं है तो मेरी स्पॉन्सर अपलाइन नहीं है सिस्टम में, शादी वादी में नहीं, बट क्या मैं सिस्टम छोड़ो? क्योंकि मैं अपनी वजह से, मैं उनकी वजह से थोड़ी ना आया। Am I right? Yes, sir. जी सर। दूसरी होती है फील्ड अपलाइन। फील्ड अपलाइन मतलब कि जो आपके साथ में फील्ड में जाकर काम करे। जो आपके साथ फील्ड में जाकर काम करे। ऐसा नहीं उठाया फोन की घुमाना चालू, अरे प्लान करना रहे, वो अपलाइन है ही नहीं। वो खुद आपके साथ में आए, पहले 2-4-5-10 प्रेजेंटेशन आपको करके दिखाए, उसके बाद में फिर आपको करने पड़े, वो होती है आपकी फील्ड अपलाइन। जी सर। समझ रहे हो ना सर? उसके बाद में आती है फीडबैक अपलाइन। फीडबैक अपलाइन मतलब कि जो भी दिन भर का आप वर्कआउट करते हो उसको फोन लगाते हो, जो भी दिन भर का आप काम करते हो उनको आप फोन लगाते हैं, सर आज दिन भर में इतना इतना किया, इतना इतना हुआ, करने में ये करने वाले, दैट इज कॉल्ड फीडबैक अपलाइन। समझो, लोग इन अप्लाइंस को चुनने में गलती कर लेते हैं। लोग किसको अप्लाई चुन लेते हैं एकदम से, किसको फॉलो करना चालू कर देते हैं, जो 2-4 महीने ज्वाइन हुआ है, उसने 2-4 हज़ार रुपए कमा लिया, ओ भाई धर्मराज सर है फॉलो करने के लिए, उधर आशीष सर है, उधर विजय सर है, आप किसको फॉलो कर लेते? जिसका खुद का भरोसा नहीं हो टिकेगा कि नहीं टिकेगा? ठीक है, अच्छा डांसर अच्छे डांसर को फॉलो करेगा, एक अच्छा टीचर अच्छे टीचर को फॉलो करेगा, एक अच्छा खाना बनाने वाला अच्छा खाने बनाने वाले को फॉलो करता है, करता है नहीं करता? तो हमें अगर अच्छा नेटवर्कर बनना है तो किसे फॉलो करना है? अच्छे नेटवर्कर। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, वो कल का आया हुआ जिसका थोड़ा मोटा लेवल है, कई बार हम उसको फॉलो करते हैं, तुम अच्छे करता है, तुम अच्छे करता है, साक्षी मैडम नीतू मैडम है, उन लोगों को फॉलो कीजिए। फॉलोशिप का बहुत असर पड़ता है दर्शन सर, बहुत असर पड़ता है फॉलोशिप, लोग ये चीज समझते नहीं, और फिर बोलते हैं पैसा नहीं, कैसे आएगा भाई, गलत पासवर्ड डालोगे तो लॉक कैसे खुलेगा? जी सर। पासवर्ड तो कैसे डालना पड़ेगा? जी सर। बात में होती है कि मेंटर अपलाइन, अपने जिंदगी में कोई ना कोई गुरु बनाओ। गुरु क्यों बनाना? यस सर, मैंने मॉर्निंग में समझाया, बगैर गुरु की जिंदगी शुरू नहीं। जी सर।
जी सर। कई लोग बोलते हैं सर गुरु की बनाना है भाई, गुरु धारण करना पड़ता है। बड़े बड़े लोग जितने भी लोग कामयाब हुए सबका अपना अपना एक मेंटर है, सबके अपने अपने गुरु। मेरे खुद के अपने मेंटर है, विजय सर को मानता हूँ तो विजय सर के खुद के अपने मेंटर संजय दीवान सर, समझ रहे समझ रहे जी सर। अर्जुन का भी एक गुरु था श्री कृष्ण, इसलिए तो वो महाभारत में युद्ध जीते जी सर, नहीं तो हार जाते ना। जीवन में मेंटरशिप को धारण कीजिए, बहुत बड़ा टॉपिक है, बाद में चर्चा करेंगे। एक होती है आइडल अपना, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनको देख के आपके मन में एकदम करंट सा आ जाता है, दैट इज कॉल्ड आइडल। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। सबसे पहली अपलाइन जो मैंने लिखी थी वो थी स्पॉन्सर अपलाइन। जरूरी नहीं है कि जिसने आपको बताया हो वो जिंदगी भर आपके साथ में, वो हट सकता है, उसका अपना करियर है सर, लेकिन आपका अपना करियर। आपकी वजह मजबूत होगी तो आपको माई का लाल नहीं ला सकता, और नहीं तो कोई भी राज चलता हुआ लड़का जो 20 का खर्रा खाता होगा आपको कमेंट मार के नेगेटिव कर सकता है। समझ आ पाए जी सर? तो ये है सर वर्किंग करने के पर्पस, मतलब वर्किंग करने वाली अपलाइंस, आप कैसे कैसे सिस्टम में किस किस को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। स्पॉन्सर अपलाइन, फील्ड अपलाइन, फीडबैक अपलाइन, मेंटर अपलाइन और हैंडल अपलाइन। अब यहाँ पे कुछ और अपलाइन आती है, एक होती है अपलाइन, मतलब वो अपलाइन जो सेंटर पे भी नहीं आएगी या फिर कभी आ गई तो आपको लेके बैठ जाएगी। गपशप मारना, गप्पे मारना, फोन भी लगाएगी मस्त आधा घंटा बात करेगी, गप लाइन है, गप लाइन। जब भी देखो दो चार लोग इकट्ठा करके देना चाहो, देना चाहो, ऐसा कोई दिख रहा है ना आपको अपने ग्रुप में आजू बाजू में, समझ लेना गप लाइन में आता है। जी सर। गप लाइन को छोड़ देना। एक होती है टप लाइन, टप्पे खाती, कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी कभी उस कंपनी, और वो ऐसी होती है जो खुद भी नहीं करेगी दूसरे को करने भी नहीं देती। जी सर, जी सर। बंदर के जैसे, बंदर कैसे होता है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कभी सर मैं नेटवर्किंग कर लेता हूँ, कभी सर मैं खेती कर लेता, कभी सर मैं कंपनी, सर मैंने वो दूसरी नेटवर्किंग कर लूंगा, ये टपलाइन होती है। ऐसे लोग के साथ में आप अपना करियर लगाओगे आपको, जिसे खुद का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए उसके साथ में अपना करियर लगाओगे? नो सर, मैं भी नहीं लगाऊंगा। मुझे एक वो बंदा चाहिए जो लास्ट फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ये बोल सके कि सारा मैं इधर ही चलेगा, मेरे ऊपर विश्वास करो। पूछना कभी अपनी अपलाइन पे जाके, मैडम आपका तो भरोसा है कि नहीं, मतलब सर आप सपोर्ट तो लगे नहीं करोगे, अगर कसम कसम आ रहे सबसे अच्छे बात उसको छोड़ के दरवाजा को पकड़ो फट से सीधे, आप पकड़ो सीधे कच में आओ, क्योंकि आपको कामयाब की तरफ बढ़ना है तो कामयाब लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। मुझसे कोई पूछे सर एम्बॉयर के अलावा कोई जिंदगी में कभी नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी एम्बॉयर, कमिटेड बंदे आगे होते हैं, लल्लू राम किधर भी जाने वाले, गंगा गए तो गंगाराम और जमुना गए तो जमुना दास, दिन पैती के लोटे जैसे। और समझा रहा हूँ मैं जी सर, जिस भी चीज का बेस नहीं होता ना वो लुढ़कते ही रहता है जी सर। देख लेना फुटबॉल रखना कभी सर एक बार घुमाना उसको, वो कभी इधर जाती है तो कभी इधर जाती है, और बीन पेंदी का लोटा अगर रहे तो वो जमेगा खुद सोचो संपर्क ना पाए। तो इस इंडस्ट्री में भी टिकने के लिए एक कमिटमेंट चाहिए कि मैं टिकेगा सारा बात करूँ, संपर्क ना पाए जी सर। लोग कुछ लोगों के चलते अपना करियर बर्बाद करने में तुल जाते हैं, कई लोगों ने कर भी दिया है करियर बर्बाद, कंपनी छोड़ के जा चुके, क्या हुआ छह महीने बाद वापस आएंगे, देखिए नाम लिख के देता हूँ आपको, क्योंकि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ पैसा मोटिवेशन नहीं होता है, आपके पास पहले ही बताया कि ग्रुप होना चाहिए जी सर, जी सर, सपोर्ट मिलना चाहिए, अकेले आगे बढ़ जाओगे सर, सपोर्ट तो लगेगा ना, यस सर, सपोर्ट कौन देगा, समझ पा रहे समझ पाए। जितने भी लोग पिछले काफी समय में हम लोगों को छोड़ दिया है पछता है, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हम नहीं ध्यान देते क्यों दे पहले के, समझ रहे समझ रहे। इसलिए नेगेटिविटी को माइंड में लाने से पहले, दूर जाने से पहले, वो गाना याद आता है हमको, तुम मुझे छोड़ के जब बचाओगे तो बड़ा पछता होगा, समझ पा रहे समझ पा रहे। और ऐसा हो रहा है, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए, क्योंकि जितना सपोर्ट यहाँ मिल रहा है ना उतना सपोर्ट आपको दुनिया की किसी कंपनी में नहीं मिल रहा, यहाँ तो घर में घुस घुस के आपको समझाया जा रहा है, अरे चल तूने क्या राजा दी, अरे चल तूने क्या राजा रुपये दी, तेरे गलत जगह नहीं लगनी चाहिए, समझ पा रहे समझ पा रहे। लास्ट होती है सप्लाई, सप्लाई मतलब पता है क्या होता है, सांप के जैसा, आपको पता होगा सांप अपने बच्चे को दिखा देता है, यहाँ भी एक ऐसी अपलाइन होती है जो खुद तो नेगेटिव होगी छोड़ी सब लोग को पाया, अर्जुन को धर्म रखता सब साक्षी बसी भी फसल होता, ये होती है सप्लाई, ये कौन होती है
मतलब ये तैयारी है या मेरे खाएगा पक्का खाएगा जी ना पारे। अगर कोई इसके उसके बारे में बुराई करना चालू करे समझ जाना कि ये सप्लाई है, मतलब ये साफ है जो हमको भी डस रहा है, हमको भी खा रहा है और हमारे करियर को भी खा रहा है। अरे मैं बोलता तेरे को नहीं करना, मत कर, निकलना चुपचाप पतली गली से। तो 10 लोगों को लेके क्यों जा रहा है, क्यों सप्लाई नहीं कटेगी दुनिया। समझ पारे हमेशा जागती और भागती, तड़पती और भड़कती अपलाइन के साथ रहना, क्योंकि रोती अपने के साथ मर रहोगे तो आपको रोना सिखाएगा। कैसे रोते, दारू वाले के साथ में रहोगे तो दारू पीना सिखाएगा ना, यस सर। और गुटके वाले के साथ में रहोगे तो गुटका खाना, लड़की पटाने के साथ में रहोगे तो लड़की पटाने के 101 तरीके सिखाएगा ना सिखाएगा जी सर। तो इनके साथ में रहोगे तो अच्छा, कपड़े इनके साथ में रहोगे तो आप भी कपड़े मारना नहीं सीखोगे जी सर। फिर आप भी बोलोगे सर पैसा नहीं आ रहा है, कैसे गप्पे से मार रहे हो, क्योंकि आपने फॉलोशिप भी गलत रखे जी सर। सप्लाई कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी, कभी ये काम कभी वो काम कभी वो काम, समझ रहे हो। शुगर बनाओ यहाँ तक पहुंचा दिया सर, बोलना इतना बड़ा रिलेशन था, इसके बाद में आप अपना करियर में मेरा करियर बात करें, क्योंकि आपको आपके परिवार को देखना है। हो सकता है उसके घर में ढेर कुछ हो, जिसने मुझे प्रेजेंटेशन बताया जो मेरा स्पॉन्सर था, हो सकता है उसके पास में सर लाखों रुपए रखे हो, पर मेरे पास तो नहीं है जी सर। मैं क्यों छोड़ू सिस्टम, मेरे पास इससे अलावा कोई ऑप्शन है नो। पर एक होती है सपोर्ट, एक तपला है लास्ट भी सपोर्ट, जो खुद भी मरेगा वो आलू ही मार के मुंगे एक तक जो तू भी जाए। अरे ओके सही नहीं जी सर, तू नहीं मरा तू भी मर, ऐसे वाले लोग समझ रहे हो। कोशिश करना कि इधर वाली अपलाइंस को फॉलो करना, उधर तो जाना भी मत। कोई ऐसा पाया गया तुरंत अपनी ग्रेट अपलाइन को जो बेल्ट संभालता है, जो टीम संभालता है, और हम करते क्या कई बार गलती, मान लीजिए इस वाले मैडम को कोई पिन टोच रहा है, ठीक है, मेगा मैडम को कोई पिन टोच रहा है, ये किसके पास में जा रहा है पता, माधुरी मैडम के पास, समझ ना गलती क्या करते। अब माधुरी मैडम तो ठीक है अपनी जगह पे, फिर वो जाती है धीरे से निशा मैडम के पास, फिर वो निशा मैडम जाती है किसी तीसरे के पास, अब सीधे धर्मनाथ के पास पहुंचो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको सुनवाई करना है, फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना, कहा वो पंचायत और पंचायत से फिर वो लोक अदालत और लोक अदालत से फिर कहा जा रहे हो, सीधे पहुंचो ना, आपके पास में अथॉरिटी है ना। ये काम कौन करता है, इसको अथॉरिटी नहीं होती, क्या आपको अथॉरिटी नहीं ये बोलने की मुझे नवल सर ने ऐसा बोला है कि नहीं अथॉरिटी, तो करो ना। कोई सिस्टम के बारे में अपलाइन के बारे में गलत बोले मैं सुनूंगा नहीं, ये डिसीजन आज से आपको लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं अपनी अपलाइन की बुराई करना, जिसके सामने आपको आगे बढ़ना है उसी की बुराई आप लोग सुन रहे हैं। पाप के अबदार आप हो, नहीं वो तो बोल रहा है पाप के अबदार आप हो, सकते हो भाई मुझे मत सुना, मेरे लिए अच्छी तू देख क्या करना है जी सर। आप किसी अपलाइन के बारे में इसके बारे में बुरा क्यों सुनोगे सर, कितना जानता है वो, दो चार महीने में जान लिया, पांच साल से इस फील्ड में लगा, दरबार सर पांच साल से इस फील्ड में लग गया, क्या दो चार महीने का बंदा आपको सिखा देगा नेटवर्किंग क्या होती है। आप तो सोचो आप भी कितने खतरनाक, उसी की बात पर यकीन नहीं करते, कहता ना नेगेटिविटी जल्दी जल्दी घुसती है, पॉजिटिविटी तो घुसती नहीं, सही है तो बढ़िया है। मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, केक इंतजार कर रहा है सर आपका, किसका मैडम का, कौन सी काम आप केक इंतजार कर रहा है, कहाँ है लेके आओ, पिघल गए आपको, आया समझ में कुछ, चेंज करोगे अपनी थिंकिंग, यस सर।